दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला हूं। दोस्तों आजकल मैं देखता हूं कि इतने सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं जहां पे लोग पूछते हैं, सर मैंने ये खरीदना चाहिए, ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, 6 महीने से मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या मैंने नया फोन लेना चाहिए वगैरह वगैरह। सबसे ज्यादा ये मुझे सवाल आते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं When is the right time to buy a smartphone? कब आपने फोन लेना चाहिए? जब आप सोच रहे हो कि मेरा फोन अपग्रेड मुझे करना है, तो कुछ सवाल आपने पूछने चाहिए आप खुद से, और ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए एंड तक देखिए वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों मैंने ये बात पहले भी रिपीट की है, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता है। कितने भी पैसे दे दीजिए, कुछ भी कीजिए, देयर इज नो आइडियल फोन। दूसरी बात दोस्तों, जो फोन एक आदमी को सही लगता है वो दूसरे आदमी को सही नहीं है। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर यूसेज। आप क्या सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो? आप फोटोग्राफी पसंद है तो कैमरा के पास आपने देखना चाहिए, तो ऐसा कैमरा देखना चाहिए कि भाई जो कैमरा अच्छा हो, जिस फोन में कैमरा अच्छा हो। ऐसे ही जिसको परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग चाहिए, तो उसने गेमिंग वाला देखना चाहिए। सो वंस अगेन, देयर इज नो आइडियल स्मार्टफोन फॉर वन इंडिविजुअल। अलग अलग लोगों के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सबसे पहला सवाल आपने पूछना चाहिए कि क्या मेरा एग्जिस्टिंग फोन फंक्शनल है, काम कर रहा है, जो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, अगर मैं गेमिंग कर रहा हूं क्या वो ठीक तरह से कर पा रहा हूं। या फिर आप ऐसे सोचते हो यार इतने सारे नए फोन्स आ गए हैं। दोस्तों जमाना ही ऐसा आ गया है कि हर 2 दिन में एक नया फोन आता है, और जब नया फोन आ जाता है तो आपको लगता है कि मेरा जो फोन है वो पुराना हो गया है, मैंने नया लेना चाहिए। दिस is going to go on। जी हाँ, ये बंद नहीं होने वाला है। आप कभी भी फोन लीजिए, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद आपको लगेगा आपका फोन पुराना हो गया। तो वो जो एक थॉट प्रोसेस है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए आपने पूछ लिया कि आपका जो फोन है वो फंक्शनल है या फिर नहीं है, क्या वो स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो है, लैग होता है, जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब समझिए, आप कुछ टाइप करते हो, लिखते हो या फिर गेमिंग करते हो और आपको गेम खेलने ही नहीं आ रहा है, यस देन इट कैन बी अ वैलिड रीजन। लेकिन अगर जो भी आप कर रहे हो आपके फोन के ऊपर वो चल रहा है ठीक तरह से, देयर इज नो नीड टू अपग्रेड। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपग्रेड करना है क्योंकि एक्स्ट्रा नए फीचर्स आ गए हैं, 8K वीडियो नया फोन रिकॉर्ड कर सक रहा है, इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये सब चाहिए कि ये मेरे पास होना चाहिए, पॉपअप सेल्फी कैमरा होना चाहिए, इसलिए मुझे नया फोन चाहिए। आई विल टेल यू वॉट, दीज आर नॉट वैलिड रीजन। ये वैलिड रीजन नहीं है नया फोन खरीदने के लिए। नया फोन सिर्फ इसीलिए खरीदना चाहिए क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है उसकी, कि आप जो काम कर रहे हो फोन के ऊपर वो आप ठीक तरह से नहीं कर पाते हो। ये जब होता है, दैट इज द राइट टाइम टू थिंक ऑफ एन अपग्रेड। दोस्तों लिटरली लोग आजकल मुझे पूछते हैं कि मैंने 5G फोन खरीदना चाहिए, क्या मैंने 5G फोन के लिए रुकना चाहिए? Why is the need for a 5G phone? अगले 2-3 साल तक अगर 5G इंडिया में नहीं आने वाला है, how does it make sense to buy a 5G phone? मतलब इतने सारे सवाल आते हैं मुझसे, प्लीज स्टॉप दैट। जरूरत नहीं है, 4G LTE फोन ले लीजिए। अगर लेना है आपको 5G की अब जरूरत नहीं है, 5G लिया तो भी आप 4G ही इस्तेमाल करोगे। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। दोस्तों तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलनी है, व्हाट इज द आइडियल टाइम दैट यू शुड यूज अ स्मार्टफोन। मतलब आप जब स्मार्टफोन खरीदते हो तो कितने दिनों तक इस्तेमाल आपने करना चाहिए। मैं थंब रूल देता हूं आपको, अगर आपने एंट्री लेवल का फोन लिया, बजट लेवल का फोन लिया, 10,000 के नीचे वाला, तो जनरली इट विल गो वेरी वेल फॉर 1 ईयर। आजकल 10,000 के नीचे भी इतने अच्छे फोन आ गए हैं कि आप 1 या 1.5 साल भी उन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। कोई कोई फोन तो 2 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर आप फ्लैगशिप फोन लेते हो, 25-30 हज़ार के ऊपर का फोन लेते हो, तो कम से कम आपने 2-2.5 साल उसे इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने पावरफुल फोन्स हो गए हैं, हर 6 महीने में 1 साल में फोन चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे दोस्तों ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक ही चीज है, अगर आपको आपके पैसे बचाने हैं, अगर आपको आपके पैसे इंपॉर्टेंट है तो कीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे खर्चा करने के लिए और आपको नया फोन आ गया तो खरीदना है हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल
जो गलत डिसीजन लेते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं फिर भी वो खरीदते हैं नया फोन. सो दिस वीडियो इज फॉर देम. दोस्तों ऐसे भी बहुत बार होता है कि लोग मुझे कह रहे हैं यार मेरा स्टोरेज खत्म होने आ रहा है, स्पेशली आईफोन पे जिसपे 64 GB वगैरह होता है, खत्म होने आ रहा है, मुझे नया फोन लेना है. क्या जरूरत है? आई मीन एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है. आपके पास अगर वाईफाई होगा क्लाउड पे बैकअप ले लीजिए जो भी चाहिए वो, एंड रीसेट कीजिए आपका फोन, पूरा जो स्टोरेज है वो आपको मिल जाएगा. या फिर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहे हो, 64 GB 128 GB भी खत्म हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, SD कार्ड डाल दीजिए. अगर SD कार्ड का स्लॉट है 400 या 500 या 1000 रुपए का SD कार्ड खरीद लीजिए, उसके ऊपर कॉपी कर दीजिए, आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो फ्री हो जाएगा. तो ये ऐसे छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग फ़ोन अपग्रेड करते हैं. मेरी मन से आपसे विनंती है कि मत कीजिए ऐसा. ये जो फ़ोन की दुनिया है इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, अगर हर 6 महीने में आप लेने को जाओगे सोचिए द अमाउंट ऑफ मनी यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन बाइंग स्मार्टफोन्स. उतना ही नहीं दोस्तों, एट अ लार्जर स्केल आप सोचिए, जितने ज़्यादा फोन्स आप खरीदते हो उतना आप एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हो. सोचिए ये जो ई वेस्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे स्मार्टफोन्स एक बार पुराने हो गए तो फेंक दिए, ये जो है ये जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं, हमारी धरती को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. तो एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपने स्मार्टफोन्स जो आपका लेना है, अपग्रेड करना है, वो डिसीजन सोच समझ के लेना बहुत ज़रूरी है. जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सटेंड कीजिए. वैसे दोस्तों ये सब सवाल खुद से पूछने के बाद आपको जवाब मिलता है कि भाई हाँ मैंने अब लेना चाहिए, दिस इज़ नाउ द राइट टाइम टू बाय अ स्मार्टफोन, तो हमने स्मार्टफोन बाइंग गाइड का वीडियो भी किया हुआ है, वो ज़रूर देखिए. सो व्हेन यू आर बाइंग अ स्मार्टफोन यू विल बाय अ परफेक्ट स्मार्टफोन, एकदम सही जैसा आपको चाहिए वैसा आप फ़ोन बाय करोगे. यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन लेटर, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने गलत फ़ोन ले लिया. तो ये जो स्मार्टफोन बाइंग गाइड है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा. वैसे दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग.